अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें चाहिए एक छन्नी दही ली है हमने, हाफ के जी चिकन लिया है, और ये हमने नमक लिया है हस्बे जायका जितना आप इस्तेमाल करते हैं। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, टी स्पून सूखा धनिया लिया है, एक चम्मच लाल मिर्च ली है, और हाफ चम्मच मैंने ली है हल्दी, और दो हमने साथ ली हैं लीमू, और साथ हमने लिया है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो लिया, और एक टमाटर। अब हम इसको मिक्सचर बनाएंगे, दही के अंदर सब कुछ शामिल करेंगे। ये देखिए जी, हमने जो सब मसाले लिए थे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हम साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। एक चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर जो हमने एक लेमन लिया था वो ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हो जाए, चिकन के अंदर रख जाए। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। ये देखिए जी, हमने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर हम एक कप ऑयल ऐड करेंगे। मैंने जो ये ऑयल लिया था इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। इसका एक हम पेस्ट बना लेंगे, जैसे हम ग्राइंड करते हैं टमाटर उसका पेस्ट बनता है, वैसे ही इसको हम फ्राई कर करके इसको नरम, ये जब नरम पड़ जाएगा टमाटर, फिर हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे, और ये एक पेस्ट की शक्ल आ जाएगी। ये देखें जी, जैसे आपको नज़र आ ही रहा है कि टमाटर हमारे मैश होना शुरू हो गए हैं, ये नरम पड़ गए हैं। अभी हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। ये देखिए, ये मैश हो गया। अभी हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, हाफ कप पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। हम इसको अब ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए, चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए, फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पानी खुश्क हो गया, जो हमने पानी शामिल किया था ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका घी निकल आए, फिर हम इसको डिश आउट करके आपके साथ पेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके, सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।